हेलो गाइस, राजेश यहां पर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अपने OnePlus Nord CE या फिर OnePlus Nord 2 में एप्लीकेशंस को लॉक और हाइड कर सकते हैं। ये दोनों ही फंक्शनैलिटी आपको ऑक्सीजन ओएस जो मिल रहा है OnePlus Nord CE और OnePlus Nord 2 में, उसमें बिल्ट इन आता है। तो यानी कि आपको प्ले स्टोर से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना होगा इस फीचर को रेप्लीकेट करने के लिए। प्रोसेस क्या है? वेल, रिलेटिवली सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले मैं आपको ऐप लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो सेटिंग्स में जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करके प्राइवेसी में जाइएगा। यहां पे आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में दिखेगा ऐप लॉक का ऑप्शन, इस पर टैप करिएगा। अब सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि बॉस एक प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट करिए, तो यहां सेटिंग्स पे दबाइएगा और फिर एक अनलॉक पैटर्न या फिर पिन जो भी है आप सेट करें। यहाँ पे पिन पूछ रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है यूज अ डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे आप दबा के 4-digit पासवर्ड, पासवर्ड विद अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स सेट कर सकते हैं, या फिर पैटर्न भी है। फिर जो भी पैटर्न पासवर्ड कोड आप यूज करना चाहते हैं उसे एंटर करें। दो बार एंटर करना होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। फिर एक रिकवरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, उसे आप सेट करें। यहां पे रिकवरी ईमेल का भी ऑप्शन है जिसमें आप एक ईमेल डाल सकते हैं। इन्हें आप तब यूज कर सकते हैं इनकेस आप कभी ऐप लॉक या जो प्राइवेसी पासवर्ड है उसे भूल जाएं, तो उन्हें अगर आपको रीसेट करना है, रिकवर करना है, तब आप इन्हें यूज कर पाएंगे। एक बार आप प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर ले तो ऐप लॉक अपने आप ओपन होगा और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आपके फोन में इंस्टॉल्ड है उसका एक लिस्ट आपको मिलेगा। एंड फिर आप सेट कर सकते हो कि कौन कौन से एप्लीकेशंस को आप लॉक करना चाहते हो। तो यहाँ पे सपोज करिए मैं क्रोम को लॉक कर देता हूँ, फिर क्लॉक का भी ऑप्शन है, इसे भी लॉक कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप जो फेस अनलॉक या जो फिंगरप्रिंट अनलॉक यूज करते हैं अपने फोन में, उसके थ्रू आप इन सारे लॉक्ड एप्लीकेशंस को अनलॉक कर दें। उसके लिए यहाँ पे जो टॉप राइट में सेटिंग्स बटन है इसे दबाएं, फिर सेटिंग्स में जाएं एंड फेस अनलॉक टू अनलॉक एप्स और फिंगरप्रिंट टू अनलॉक एप्स, ये दोनों ऑप्शन आप इनेबल कर दें। फिर यहाँ एक और ऑप्शन आपको देखेगा लीव एप्स अनलॉक्ड का। अब इसमें क्या है कि एक बार जब आप एक एप्लीकेशन को अनलॉक कर देते हैं तो वो तब तक अनलॉक रहेगा जब तक आप अपने फोन को वापस से लॉक नहीं करते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए कि जब आप एक लॉक्ड एप्लीकेशन को एग्जिट करें उसके बाद ही वो लॉक हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। अब ये फीचर आपको मैं डेमो में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रोम खोलता हूँ, आप देख सकते हो क्रोम लॉक्ड है, तो बोल रहा है कि या तो मैं फिंगरप्रिंट यूज़ करूँ, फेस अनलॉक करूँ या फिर पासवर्ड डालूँ। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट डाल के क्रोम को अनलॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि क्रोम अनलॉक कर दिया है तो रिसेंट ऐप व्यू में अगर मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि जो क्रोम का कार्ड है उससे उसकी कंटेंट दिख रही है। अभी ये एप्लीकेशन अनलॉक्ड है इसलिए। अब यहाँ पे मैं डिवाइस को लॉक करके वापस से अनलॉक करता हूँ तो क्रोम जो है ये वापस से लॉक हो गया है। और अगर अब मैं रिसेंट ऐप व्यू में जाऊं तो आप देख सकते हो कि इसके कार्ड में कुछ दिख नहीं रहा है। तो एज लॉन्ग एज आपका जो भी एप्लीकेशन लॉक्ड रहेगा रिसेंट ऐप व्यू में, आप उसका कंटेंट भी नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन को अनलॉक कर देते हो फिर रिसेंट ऐप व्यू में आप उसका जो भी कंटेंट है वो देख पाओगे। ये एक अच्छा प्रॉपर ऐप लॉक का इंप्लीमेंटेशन है OnePlus द्वारा ऑक्सीजन ओएस में। तो अब ये तो बात हो गई ऐप लॉक की, अब एप्लीकेशंस कैसे हाइड किया जाए। तो वेल, उसके लिए आपको मिलता है ऑक्सीजन ओएस में हिडन स्पेस का फीचर, जिससे कि आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं ना उसमें मूव कर दीजिए और वो हाइड हो जाएगा। हिडन स्पेस एक्सेस करने का स्टेप्स भी सिंपल ही है। दो फिंगर से आप ऐसे पिंच आउट कर दीजिए, हिडन स्पेस एक्सेस करने का भी प्रोसेस सिंपल ही है। टू फिंगर्स ऐसे स्वाइप आउट करिएगा, पिंच आउट जो बोलते हैं वो करिएगा होम स्क्रीन के एम्प्टी एरिया पे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे पिंच आउट किया तो आप देखिए फिंगरप्रिंट बोल रहा है कंफर्म करने, एंड फिर जो हिडन स्पेस है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप हिडन स्पेस एक्सेस करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप फिंगरप्रिंट सेटअप करना चाहते हैं कि नहीं हिडन स्पेस एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोन फोन, क्लाउड सर्विस, फिर से कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिटी, क्लॉक, ये सारे एप्लीकेशंस को मैंने हाइड करके रखा है। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे हिडन स्पेस के तो यहाँ बस यही ऑप्शन है कि आप पासवर्ड डिसेबल कर सकते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। अब तब देखिए ऐप ड्रॉयर में जाता हूँ तो क्लॉक नहीं दिख रहा है, जो जो एप्लीकेशंस बेसिकली मैंने हाइड किए कम्युनिटी वो सब अब नहीं दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो ऐप ड्रॉयर है अगर उसमें भी मैं सर्च करूँ तो हिडन एप्लीकेशंस नहीं विजिबल है। तो OnePlus ने जो हिडन स्पेस का भी इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी अच्छा किया है, इंश्योर करता है कि कोई भी इजीली हिडन एप्लीकेशंस जो है उन्हें एक्सेस ना कर पाए। एंड प्लस पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी आपको मिल रही है। हिडन स्पेस को एक्सेस करने का एक और तरीका है, एक तो होम के आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ऐसे ऐप ड्रॉयर में जाएं एंड राइट की ओर स्वाइप करें, स्वाइप करते ही आप हिडन स्पेस ओपन कर पाएंगे पासवर्ड देने के बाद।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने OnePlus Nord 2 या फिर OnePlus Nord CE में एप्लीकेशंस को लॉक और हाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।